वेल दोस्तों, निमृत कौर अलुवालिया यानी कि बिग बॉस के घर की नई रानी ने दिखाया कैमरे पे टीना दत्ता की झूठी असलियत, दिखाई उसकी नकली पने को, दिखाया किस तरह से मुंह पे मेकअप करके एक जगह बैठ के और हाइजीन हाइजीन चिल्लाती है। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो उनके बेडरूम के पीछे से डस्टबिन निकलता है, उनके चद्दरों के अंदर गंदगी होती है और यहाँ पे तो हद हो गई, उनके ग्लास में मकड़ी के जाले लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे टीना दत्ता ने एक बहुत बड़ी हरकत की है जिसको छुपाने के लिए उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो हरकत सामने आ गई। और जैसे ही यह हरकत सामने आई तो निमृत कौर आलूवालिया ने तुरंत ही कैमरे को यह असलियत दिखाई और उस ग्लास को दिखाया जिसके अंदर टीना दत्ता की असलियत है, जिसके अंदर गंदगी का अंबार है। और उसने बताया कि घर के अंदर हाइजीन हाइजीन चिल्लाने वाली लड़की कितनी ज्यादा अनहाइजीनिक है, कितनी नकली है। दोस्तों वेल, क्या कुछ किया है यहाँ पे टीना दत्ता ने, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर के अंदर यहाँ पे लाइव अपडेट में साफ तौर से नजर आया कि कितना ज्यादा परेशान हो चुकी है निमृत टीना के नखरों से। आपको बता दें कि यहाँ पे निमृत साफ तौर से वो ग्लास दिखाती है जिसपे टिंजी लिखा हुआ है और उस ग्लास के अंदर एक गंदा पानी है धनिए का, जो रोज सुबह टीना ही पीती है और उन्होंने आधा पिया हुआ गंदा पानी ऐसे ही छोड़ दिया और ग्लास उन्हें धोना ना पड़े इसलिए वो ग्लास माइक्रोवेव के पीछे छुपा दिया गया। ऐसे में निमृत ने जैसे ही ग्लास को देखा, उन्होंने उठाया, उसके अंदर मकड़ी का जाला लग चुका था और धनिया था और साइड में टीना का नाम भी था और साफ दिखाया उन्होंने कि किस तरह से हरकतें करती है यहाँ पे टीना दत्ता काम से बचने के लिए। ना सिर्फ इतना, शिव ठाकरे सामने बैठे थे और उन्होंने भी बोला कि ये टिंजी हर बार हाइजीनिक हाइजीनिक चिल्लाएंगे, मुंह पे मेकअप करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो इन्हें लगता है कि ये बहुत हाइजीनिक है, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन असलियत में इतने गंदे लोग हैं ये। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैमरे में दिखाई गई तस्वीर के बारे में? अपने व्यूज हमें आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।